ले फिर चलिए तब रहा लिया फिर जा था देखा था यही ना आई अचानक गाय। अगर पुरुष तुम्हारे लिए नहीं बड़ा है अर्जुन, तुम्हारे अर्जुन का कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारे पति के नाम से सुसाइड करने के लिए कहा था, हमको गाली दिया है, उस चीज पे अगर तुम उसको 50 चप्पल खींच के मारो पूरे 20 समाज में ऑन कैमरा, तो मैं मान लूंगा कि तुम हमसे प्यार करती हो। आज तुम उसके साथ जा करके मेरे बच्चे का भविष्य खराब कर दी। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा नहीं, तुमसे परवरिश नहीं कर पाओगी, क्योंकि माँ सिर्फ तुम नाम की हो, अगर काम की होती तो आज हमारे बेटे का भविष्य नहीं खराब करती। और बोल रही हो कि सब मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उनको जला रहे थे, तो ठीक है वही मैं पूरे गांव समाज के सामने मैं तुमको बैठा के सुनाऊंगा माइक में लगा के। अगर वो बोलेंगे सही है तो मैं रख लूंगा, गलत है तो तुमको खुद जाना पड़ेगा। इसीलिए बोला अगर तुमको आना चाहते तुम आओ, उसके बाद पूरा गांव मेरे साथ है इस चीज को लेकर के। बोले हैं कि अगर तुम गलत रहोगे तो तुम्हें मारा जाएगा, भगाया जाएगा इस गांव से। अगर मालती गलत रहेगी तो मालती को भगाया जाएगा, अगर मंजूर है तो आओ। तो निरहू उस दिन तुम भी बोले थे कि चौकी पे जब आए बोले कि हम लेके अपनी बहन को गए थे ऑटो से, और जब तुम्हारे पास फोन किए, मेरे पास वीडियो इसलिए फोन का बनाया था कि तुम बोले कि हम नाय जनती हूँ आवत या ना, हम कुछ नाय जनती। मैं बोला चलो ठीक है पता है सब, तो बोले हाँ हाँ चला सीधे कोर्ट में मिली है। तो तू कितना बात बदलोगे, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सबूत नहीं है, तुम्हारा भी सबूत है, परेशान मत रहो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णु राज, और आज दोस्तों 5 से 6 दिन बाद मैं आया हूँ घर पे, और अभी देख सकते हैं मतलब इसमें ताला भी लगा है, अंदर कैसे है मैं नहीं जानता हूँ, और जो सामान गायब हो तो लेके गई होंगी। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले बता रहे जिस पे जो मेरे पे ब्लेम लगा रही हैं कि उस लड़की से बात करते थे, तो अभी कह रहा हूँ कि पूरा जितना है काल हिस्ट्री निकलवाई लो, और मैं तुम्हारा भी निकलवाता हूँ। और अभी जानता हूँ तुम दूसरा सिम लेके रंग रलिया मना रही हो, और कह रही हो कि मैं मजाक कर रही थी, तो उस मजाक का जो है ना एक बार सुन लो, जो मजाक कर रहे थे तुम, चलो उस मजाक को मैं हम ऑनलाइन नहीं सुनाना चाहते हैं, अगर लगता है नहीं मानोगी तो डालेंगे, ऑनलाइन नहीं सुनाना चाहते, ऑफलाइन ही चलो हमारे गांव के। देखो मैं सबसे बात कर लिया पूरे गांव से अपने, हमारे गांव के प्रधान जी और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो सभ्य हैं, पंचायत जुटा के गांव में बैठा के सबके सामने बड़ा वाला जो बाजा में ब्लूटूथ करके उसके बाद उसको मैं चालू कर दूंगा, सुनाऊंगा जो तुम बतियाई हो। तुमको पता होगा कि मैं अर्जुन के बिना नहीं रह पाऊंगी, हमको अर्जुन चाहिए, हमें भागा ले चला है, हमें मारत बारोज ऐसे है हाउ, हम तुम्हारे बिना ना जी पाए, जितना है मालती तुम्हारे लिए पर्सनली। तो तुम उस चीज को बताओ, अगर वहां पे लोग कहते हैं तो मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, अगर उस चीज को लोग कहते कि नहीं भाई बहन का प्यार ऐसे होता है, हाँ मजाक ऐसे किया जाता है। अभी मैं इसलिए नहीं सुनाना चाहता कि सबका सर फट जाएगा, और समय आने पे मैं तुम्हारे घर भी आके करूंगा। हमारी बीवी भग गई है, उसके बाद सबको पता है, सब देख रहे हैं, तो हम सीधे बता दिए हैं जब भी वो आएगी हम सबको बुलाएंगे, बोलेंगे कि जब वो आएगी तब हम लोग जुटेंगे, सुनाना वो ऑडियो कि हम उसमें भाई बहन का क्या बात हुआ है। क्योंकि देखिए गाँव जो हमें कहेगा, हमारा जो समाज कहेगा, हम उसी चीज को लेकर के चलेंगे। और गांव के लोग अगर यदि कहते हैं कि नहीं ये सही है, मालती की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तो मैं रख लूंगा। अगर ये बोलेंगे कि नहीं मालती की गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तो किस तरह रखूंगा, जो हमारा गांव कहेगा, जो हमारे गांव के सब लोग कहेंगे, उस ऑडियो को सुनने के बाद रीजन निकलता है, क्या तुम्हें मंजूर है कहना चाहती हो। और ऑडियो सुनने के बाद सर चकरा जाएगा, तुम्हें खुद पता है, जब चौकी पे आई तो तड़फड़ाने लगी जब ऑडियो सुनाने जा रहे थे, और उसके बाद कह रहे मजाक 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 होता है, तो यही ऐसे मजाक नहीं जो तुम ब्लेम लगा रही है। कोई भी सबूत मेरा साक्ष्य दिखा दो, होटल की बात कर रही हो तो जाओ दिखाओ, कहीं भी अगर होटल लिए हैं हम, कहीं भी होटल अगर लिए हैं, कहीं भी जिस तरह ब्लेम लगा रही है, अरे जब नहीं कोई चीज़ है तो इतना भी गिर के मत जीतो कि कोई चीज़ कहे हैं कि होटल लिए हैं, होटल में वो दिया है अपने आईडी पे। तो देखिएगा अगर कहीं भी कोई चीज मिल जाए तो बताना। और जो तुम्हारा भाई बोल रहा है साला अभी फोन पर इंटरव्यू दे रहा है, तो उसको भी लाएंगे, क्योंकि उस दिन वो बोला कि अपनी बहन को हम लेके आए थे, और उसका भी वीडियो मेरे पास, ऐसा बात नहीं है। उस दिन फोन जब किए उसके पास तो 5 मिनट बतियाए,
बोला नहीं सीधे कोर्ट में मिलेंगे, तुहार बहुत हो गया बतावत है। वहां बोले थे तब अर्जुन भी जाके जो बात किए थे वो तुम्हारे घर सब पता है। बस यही कहा जाता है कि दिल लगल गदही पर तपरी कोने काम का, ये तुम्हारा है डायलॉग। और यही कहना चाहता हूँ इस चीज को लेकर के, तुम आओ देखता हूँ, जब आओगी पूरा गांव समाज रहेगा, तुरंत पूरा गांव ऐसे मंदिर पे चल के पंचायत होगी, वहां अगर तुम सही निकल गई तो रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो अगर मानती हो अर्जुन तुम्हारा भाई है, चलो छोड़ो, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई और पति में किसको मानती हो? पति सबसे बड़ा होता है कि गैर पुरुष तुम्हें बड़ा होता है? अगर गैर पुरुष तुम्हारे लिए नहीं बड़ा है, अर्जुन तुम्हारे अर्जुन का कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारे पति के नाम से सुसाइड करने के लिए कहा था, हमको गाली दिया है, उस चीज पे अगर तुम उसको 50 चप्पल खींच के मारो पूरे 20 समाज में ऑन कैमरा, तो मैं मान लूंगा कि तुम हमसे प्यार करती हो, तुम उसके साथ मजाक कर रही थी, तुम हमें चिटका रही थी, चिढ़ा रही थी, और तुम सही, तुम एक चरित्रहीन औरत नहीं हो, तुम्हारे चरित्र पे दाग लगा है। अगर मानता हूं इस चीज को कि अगर तुम ऐसे करती हो तो मैं कहूंगा कि हाँ तुम्हारे चरित्र पे दाग लगाया जा रहा था उसके लिए। और नहीं तो उससे बोलो कि अपनी बीवी को 6 महीना हमारे घर रखे, हमारे पास रखे, जिस तरह तुमको इस्तेमाल कर रहा था। और चलिए हम चलते हैं, और हमारी मौसी भी हैं, हमारे सब लोग हैं, उस घर चलते हैं, थोड़ा बताते हैं। तो हमारे पिताजी हैं, और यहाँ से जब ऑटो से गई थी तो बताइए बउआ क्या बजे यहाँ से गई? ला 7 बजे निकल ला 7 बजे यहाँ से। हाँ के दिन क्या? शाम के 7 बजे। देख सकते हैं अभी जिस तरह सबको पता है, और वो तो बोलत ही कि हम मजाक करते रह, मतलब जैसे जैसे बतियोले भागल ना है, मजाक करते रह। कैसी मजाक, कैसा मजाक बोला? वो तो भागल है, 7 बजे निकल तो कहाँ बता के ना गई। घर में किसी से बता के जाना कोई चीज भी जो भी है, सामान वगैरह ऐसा नहीं है, तो अगर ऐसा चीज है तो देखते हैं क्या क्या तुम लेके गई हो, क्या लेके नहीं गई हो, भी पता चल जाएगा। दिखाओ क्या ही ना, दिखाओ ना, बताओ ना, और आओ जब। तो हम बोल रहे हैं, हम तो कहा थे बबुआ अगर तेना गलती कैले आई तो पूरा गांव का जितना जनी आदमी बाटे सबके बैठा पंचायत कराए, और वही जवन जवन बतियौले बा हम उहे माइक में लगा के सबके सुनाए। अगर सब जनी कह दिए कि भाई बहन में ऐसा होला, ये गलत ना कैले बा, सही कैले बा, तो हम तो कहा कि चल भाई रहो, अगर सब कहीं गलत कैले बा, ये गलत हमें ना भागल ना कुछ भैल बा, ना बतियौले बा, तो हम कहा था कि चल रहो। तब जब कहिए कि ये गलत है तो भाई हम ना रखब, हम ना पूरा गांव तो है खदेरी, पूरा गांव ठीक है ले बा, काहे से ई चीज के लेके। तो जब गलत कहले हो ऐसा कर सकती हो, भाई बहन के रिश्ता के बदनाम कर सके लो, तो कैसे किला? हमारे पास सबूत बा, कहले से तो बहुत केहू कुछ कहला, लेकिन सबूत बा हमारे पास भैया, वो के लेके हम कर थे। मौसी है, ये मौसी क्या बजे गई लाल मलतिया? अरे हम जान थी रात को 7 बजे जब निकली तो किसी को पता नहीं था, बच्चे को मौसी लेके आई थी वहाँ, लेके यहाँ से लड़का लेके वहाँ गई, फिर वहाँ से कैसे निकल गई नहीं पता है। और उसके बाद बताओ, यही अगर तुम मालती अपने आप को साबित करना चाहती हो कि तुम सही हो तो ठीक है। देखो इतना ऑडियो सुनने के बाद ना, रखने के काबिल तुम नहीं हो, और इतना जान लो जब कह रही हो तुम इस वीडियो का जवाब खाली देना कि नहीं वो ऑडियो गलत है, तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे गांव के सभी लोगों को जुटा के सुनाऊंगा कि ये गलत है। तुम बोलना कि नहीं ये मजाक है, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे ही पास आऊंगा, बोल रही हो भागी नहीं हो तो ठीक है, मैं सुनाऊंगा भाई हर चीज सुनाऊंगा, तो पता चलेगा ना किस तरह कैसे की हो। सही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करना मेरे बच्चे का भविष्य तू बर्बाद कर दे, और किसी एक ऐसे के चक्कर में जिसकी कोई औकात नहीं है, उसके चक्कर में तुम्हारे बच्चे का भविष्य खराब कर दिया।